जो सूरत हाल है, 100 रन की पार्टनरशिप कैसे ठोक गया यार वो? हाँ। तुमने हसन को भी खिलाया, तुमने नसीम को भी खिलाया, विकेट भी तुम्हारे मिजाज की बनी हुई है, ठीक है, तो 100 रन की पार्टनरशिप वो ठोक कैसे गया विलियमसन और ये दोनों मिलके? डेविन कॉनवे का नसीम वाकई बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था दोस्तों। सब कुछ बदल गया लेकिन नहीं बदला तो पाकिस्तान की थर्ड क्लास परफॉर्मेंस नहीं बदली। आज भी पहले दिन का खेल जारी है और न्यूजीलैंड ने मार मार के दुम्बा बना दिया है भाई। पहले सेशन के अंदर न्यूजीलैंड वाले ऐसा धोते हैं, दोनों की पार्टनरशिप ऐसी लगती है कि हम तो सर पकड़ के बैठ जाते हो, तो हो क्या रहा, कितना डोला डाला, इतनी ग्रीन पिच दिखा के दोबारा से वही पिच बना दी। तो आपकी बॉलिंग साल बदल गया, पिछला साल था, वक्त बदल गया, वेन्यू, बात यह है कि आधा बॉलिंग की वही की वही, लेकिन पिच अभी भी आधा तितर और आधा बटेर ही है। अभी कराची अभी तक जो प्रॉपर बनाने में नाकाम रहे हैं, पिच को उस तरीके से आप नहीं बना सक रहे हैं, जो सीधी सी बात है, मतलब पिच आपके रडार में आ ही नहीं रही है, ना आपकी पिछली मैनेजमेंट ये कर पा रही थी, ना भी आपकी अगली मैनेजमेंट ये कर पा रही है। देखिए आप समझे, गेम पर जो हावी हुआ न्यूजीलैंड वो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप है, यानी कि इसका मतलब है जो स्ट्रेटेजी वो लेकर आए थे उनको भी पता था कि दो एक्स्ट्रा बॉलर डाले पाकिस्तान में आज, एक नसीम और एक हसन भी तो डाले, ठीक है, तो उनकी भजिया नहीं चाहिए थी, उनको तो आगे आराम से खेलना चाहिए था, उनको तो रोक लेना चाहिए था, मगर उन्होंने बोला दो क्या दस भी आ जाए हमारा अंदाज वही रहेगा जो हमने प्लान करके आए, उन्होंने तकरीबन चार के पीछे खेले। ये मैच पाकिस्तान हार गया है, मुझे ये फीलिंग्स आ रही है अभी, या तो ये मैच ड्रा हो जाएगा या ड्रा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जब पहले बैटिंग आती है ना फिर ड्रा आता है, वो जो डरपोक किस्म के इंटेंट के साथ खेलते हैं, ठुक ठुक करते हैं, फिर ड्रा होता है। अब न्यूजीलैंड है वो तेज खेल रहे हैं भाई, बैसबॉल तो इनने आजाद किया हुआ है, मतलब इनका है, वेस्ट स्टोक न्यूजीलैंड में पैदा हुआ है, तो ये तुम्हें बताएंगे भाई कि बैसबॉल कैसे खेला जाता है। तो डेविन कॉनवे ने सेंचुरी मारी है आज, जिसको कहते हैं जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है, टॉम लैंथम ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, केन विलियमसन शुक्र है जल्दी आउट हो गए, वरना एक और लग रहा था कि 100 आ जाएगा उनकी तरफ से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज न्यूजीलैंड ने सही तरीके से फिर से पाकिस्तान की बजा दी है और पाकिस्तान जो नए पिच बनाने जा रहा था वो अपने ही पिच में बिल्कुल फंस गया है और पाकिस्तान को लग रहा था कि यहाँ पर फास्ट जो बॉलर है वो चलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। जो पहले विकेट की पार्टनरशिप थी वो बहुत ही तगड़ा थी टॉम लैथम और डेविन कॉनवे में, कॉनवे ने आज उनको सही तरह से धुलाया है और रुलाया है पाकिस्तानी बॉलरों को, और जिस तरह से कॉनवे ने आज उनकी धुलाई की है, क्या ही किया जाए, जितनी तारीफ किया जाए कॉनवे की उतनी कम है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने आज पाकिस्तानी बॉलरों को टारगेट करके मार रहे थे और रहमत को तो मिस्ट्री बॉलर से मिस्त्री कर दिया आज को मार मार के। तो दोस्तों इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया आप कह रही है कि हालांकि न्यूजीलैंड की 6 विकेट गिर गई है लेकिन न्यूजीलैंड के हाथ में अभी वो गेम है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया अब ये क्या बोल रही है पहले दिन को लेकर। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। कि पाकिस्तान इस मैच से बाहर है, सिर्फ एक बड़ी इनिंग और चाहिए इनको, एक बड़ी इनिंग और चाहिए इस टीम को, विलियमसन जिसमें खेल रहे हैं साउथी 11 को, एक बड़ी इनिंग यहां से चाहिए, वरना 4,450 रन बनाने के बाद इस विकेट पे हल्का सा उछाल मौजूद है ना, 4,450 रन अगर न्यूजीलैंड पार कर गया तो पाकिस्तान का ये टेस्ट मैच जीतना करीब करीब नामुमकिन है। एक तो होता है ना कि मुमकिनात में आ जाए कोई चीज, पाकिस्तान का ये टेस्ट मैच जीतना नामुमकिन हो जाएगा। जो सूरत हाल है, 100 रन की पार्टनरशिप कैसे ठोक गया यार वो? हाँ। तुमने हसन को भी खिलाया, तुमने नसीम को भी खिलाया, विकेट भी तुम्हारे मिजाज की बनी हुई है, ठीक है, तो 100 रन की पार्टनरशिप वो ठोक कैसे गया विलियमसन और ये दोनों मिलके? डेविन कॉनवे का नसीम वाकई बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। देखिए आप समझिए, गेम पर जो हावी हुआ न्यूजीलैंड वो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप है, यानी कि इसका मतलब है जो स्ट्रेटेजी वो लेकर आए थे उनको भी पता था कि दो एक्स्ट्रा बॉलर डाले पाकिस्तान में आज, एक नसीम और एक हसन भी तो डाले, ठीक है, तो उनकी भजिया नहीं चाहिए थी, उनको तो आगे आराम से खेलना चाहिए था, उनको तो रोक लेना चाहिए था, मगर उन्होंने बोला दो क्या दस भी आ जाए हमारा अंदाज वही रहेगा जो हमने प्लान करके आए, उन्होंने तकरीबन चार के पीछे खेले। पाकिस्तान को पता चलेगा ये जो पहली इनिंग में रन देके गए ना, ये लोग पहली विकेट के ऊपर 120-135-134 रन जो पार्टनरशिप बन के गई लैथम की और डेविन कॉनवे की, ये नुकसान थे पाकिस्तान को, क्योंकि चौथी बैटिंग करनी है पाकिस्तान को यहाँ पर, तो यहाँ पर इनको अंदाजा होगा के अंदर। और ये दुनिया का वाहिद कप्तान बन गया बाबर आजम, जो 8 मैचेस होम कंडीशन में खेल के कुछ भी ना जीत पाया, तो ये वो मुसलसल लानत का सिलसिला है जो इसके ऊपर चल रहा है। और आपने आज देखा होगा जहां तुम्हें टॉप ग्रीन विकेट मिल गई, तुम चाहते तो यहाँ वाली वो वाली ग्रीन शॉट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बॉलर कर सकते थे। दोस्तों सब कुछ बदल गया लेकिन नहीं बदला तो पाकिस्तान की थर्ड क्लास परफॉर्मेंस नहीं बदली। आज भी पहले दिन का खेल जारी है और न्यूजीलैंड ने मार मार के दुम्बा बना दिया भाई। पिच अच्छी है, बॉलिंग थर्ड क्लास है आपकी, आपका कप्तान थर्ड क्लास है, आज पिच का मसला नहीं है, पिच में अगर देखे बाउंस भी मिल रहा है, बॉल कैरी भी हो रहा है, और आपको क्या चाहिए, पिच आज ठीक है। आज मसला अगर है भाई साहब तो इनकी इंटेंट में मसला है, आपके थर्ड क्लास कप्तान में मसला है, आपकी थर्ड क्लास बॉलिंग में मसला है, जिनसे जो विकेट नहीं ली जाती है, जिसके हवाले से आप बात करते हैं 150 की स्पीड के बॉलर है हमारे पास, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, कहां गई वो वर्ल्ड क्लास, जो टीम आती है यार वो 200-300 स्कोर मारती है पहले सेशन में आके, तुमको आज जाओ 119 स्कोर उन्होंने पहले सेशन में 29 ओवर में बना दिया और कोई विकेट उनका पहले सेशन में नहीं था। ये मैच पाकिस्तान हार गया है, मुझे ये फीलिंग्स आ रही है अभी, या तो ये मैच ड्रा हो जाएगा या ड्रा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जब पहले बैटिंग आती है ना फिर ड्रा आता है, वो जो डरपोक किस्म के इंटेंट के साथ खेलते हैं, ठुक ठुक करते हैं, फिर ड्रा होता है। अब न्यूजीलैंड है वो तेज खेल रहे हैं भाई, बैसबॉल तो इनने आजाद किया हुआ है, मतलब इनका है, वेस्ट स्टोक न्यूजीलैंड में पैदा हुआ है, तो ये तुम्हें बताएंगे भाई कि बैसबॉल कैसे खेला जाता है। इनके अगर ऐसी घटिया हरकतें रही, ऐसी घटिया परफॉर्मेंस रही, तो भाई जाओ फैंस ने बाइकॉट कर देना, वो आएंगे ही नहीं देखने के लिए। और देखे कराची स्टेडियम बिल्कुल खाली है,
लोग जो है वो आए नहीं है, शर्मिंदा हो रहे हैं, ये बार बार जो है वो वीडियोस चलाई जा रही हैं। कल ये कहा जा रहा था जो फ्री में लोग आए, फ्री में भी लोग तुम्हें नहीं देखना चाहते। अब तुम उन्हें 1000 रुपीज भी दो तो तब भी लोग नहीं आएंगे, क्योंकि बोर हो चुके हैं लोग, तंग आ चुके हैं तुम्हारी क्रिकेट से। जिस तरह से तुम क्रिकेट खेलते हो, अपने घर में तुम भीगी बिल्ली बन जाते हो, अपने घर में तुमसे एक सीरीज तक नहीं जीतने हुई। पिछले जो 4 मैच तुम हार चुके हो, 3 ड्रॉ करवा चुके हो, ओडीआई सीरीज हार चुके हो, T20 सीरीज हार चुके हो, पीछे बचा क्या है भाई? तो यही वजह आज देखे फैंस टोटल कोई 200-300 बंदा बैठा हुआ है। आप ये पिक्चर्स भी आपको नजर आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर, इससे ज्यादा लोग ही नहीं आए, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया कि यार ये वही घटिया हरकतें करते हैं, तो यहाँ पर जाने का या देखने का मकसद क्या, अपना टाइम वेस्ट करने का मकसद क्या है? साल बदल गया लेकिन हमारी पिचेस नहीं बदली। कल एक तस्वीर भी आई कि भाई ग्रीन पिच होगी, हर देख के पागल हो गए, 3 दिन में टेस्ट मैच का फैसला हो गया, ये भी फैसला हो गया, पिच नहीं होगी, क्या हो गया, पिच। कल से लेके अभी तक पिच की कहानी सुन रहे हैं। जब मैच शुरू होता है दोनों टीमें पेसर ज्यादा खिलाती है, पाकिस्तान बॉलिंग करने आते हैं तो पाकिस्तानी बॉलर वैसे ही रह जाते हैं। पहले सेशन के अंदर न्यूजीलैंड वाले ऐसा धोते हैं, दोनों की पार्टनरशिप ऐसी लगती है कि हम तो सर पकड़ के बैठ जाते, हो तो हो क्या रहा, कितना डोला डाला, इतनी ग्रीन पिच दिखा के दोबारा से वही पिच बना दी। हमारे बॉलर एट दी एंड हिम्मत हार जाते हैं, वो कहते हैं वही विकेट है जो पिछले 3 से 4 मैच में थी, हम क्यों जोर लगाए। फिर जिसको कहते हैं एक और सेशन के बाद पीछे से वो जाके इनको बताता है, भाई विकेट का मसला नहीं, तुम लोगों का मसला है, तुम लोग जान नहीं लगा रहे। फिर हमारे बॉलर्स को आ जाता है इज्जत का ख्याल कि भाई पिच में तो जान है, अगर हमने विकेट नहीं ली तो हमारा क्या हाल होगा। तो जो पाकिस्तान का बुरा हाल रोल के रख दी ट्विटर पे, पाकिस्तानियों का ऐसा पहला हाल हो गया, माइकल वॉगन हो गया, इसके अलावा जिसे कहते हैं मिचेल मैकलेनिकन, क्रिकेटर्स ट्वीट कर रहे हैं कि रोड ट्रैक बना दिया ये वो, मतलब कि खीर से खीर ही होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 309 आज न्यूजीलैंड ने बनाया, मैं ये समझता हूँ अगर टीम 9 आउट पे भी 300 बनाए या 1 आउट पे भी 300 बनाए तो दिन धोनी के नाम होता है, क्योंकि टेस्ट मैच में अगर आपने 300 बना दिए तो भाई मतलब कि आपने अच्छी बैटिंग की है, साफ पता चल रहा है। डेविन कॉर्नवे सेंचुरी मारी है आज, जिसको कहते हैं जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है, टॉम लैंथम ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, केन विलियमसन शुक्र है जल्दी आउट हो गया, वरना एक ओवर लग रहा था कि 100 आ जाएगा उनकी तरफ से। पड़ेगी कि जो आपकी बॉलिंग है वो भी बड़ी क्लूलेस नजर आ रही है, आपकी बॉलिंग भी कुछ खास कुछ करके नहीं दिखा रही है। आप देखो पहला विकेट आपने 134 पर लिया, दूसरा विकेट आपने 234 पर लिया, 233 पर न्यूजीलैंड का सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था 233 पे, और उसके बाद फिर से जाकर आगा सलमान ने विकेट लिया या ब्रेक थ्रू शुरू किया, वो भी नसीम ने विकेट लिया, तो फिर आपने कहानी एंड में चलो अच्छी किया। तो आपकी बॉलिंग साल बदल गया, पिछला साल था, वक्त बदल गया, वेन्यू, लेकिन जो बात है कि आपकी बॉलिंग की वही की वही, लेकिन पिच अभी भी आधा तितर और आधा बटेर ही है, पिच अभी तक जो है वो प्रॉपर बनाने में नाकाम रहे हैं, पिच को उस तरीके से आप नहीं बना सक रहे हैं, जो सीधी सी बात है, मतलब पिच आपके रिडार में आ ही नहीं रही है, ना आपकी पिछली मैनेजमेंट ये कर पा रही थी, ना आपकी अगली मैनेजमेंट कर पा रही है। और हकीकत तो ये है कि कराची के अंदर कभी भी जो है आपको इस तरह के ट्रैक नहीं मिलते, कराची में आपको स्पिन ट्रैक बनाने का, आपको स्पिन के लिए सूटेबल है, शुरू से सबको पता है कि स्पिन ट्रैक है, लेकिन स्पिन में नहीं आप बना पा रही, उनका स्पिन अटैक इस सोदी है, ब्रेसवेल है, अजाज पटेल है, आपका कुछ स्पिन अटैक भी बस समझ नहीं आ रहा, जिस तरीके से बाबर लगे हैं ब्रार को लगा लगा के, वो भी मुझे तो टोटली क्लूलेस नजर आ रहा है। सिचुएशन अली साहब आपके हाथ में कुछ खास नजर नहीं आ रही है, मैं तो मजीद कर रहा हूं कि टेस्ट क्रिकेट खत्म ही हो, जान छुटे हमारी। तो दोस्तों जिस तरह से आपने वीडियो में देखा कि न्यूजीलैंड की जो ये बल्लेबाजी थी वो बहुत ही अच्छी थी पहले पार्टनरशिप में, उसके बाद भी डीवन कॉनवे और विलियमसन ने जिस तरह से बल्लेबाजी आज की वो भी काबिल तारीफ है, लेकिन जैसे ही कॉनवे की विकेट गिरा और न्यूजीलैंड के जो विलियमसन की विकेट जिस तरह से गिर गया, और उन्होंने भी कुछ खासा नहीं किया न्यूजीलैंड ने, जो विलियमसन ने आज, इसके बाद विकेट की छड़ी लग गई और 6 विकेट गिर गई है, लेकिन अभी जो है वो बहुत ही अच्छे खेल रहे हैं, जो मतलब कह सकते हैं कि इस शोटी भी अच्छा खेल रहे हैं और उनके साथ जो है वो भी अच्छा खेल रहे हैं। तो अगर कहा जाए अगर ये न्यूजीलैंड 350 के ऊपर चला जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द हो सकता है। इस पिच में ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड के पास बॉलर नहीं है, न्यूजीलैंड मैट हेनरी को भी इंक्लूड कर चुका है एक फास्ट बॉलर के तौर पर, तो अगर तो थोड़ा स्विंग हुआ जिस तरह से आज स्विंग हो रहा है, और आप जानते हैं जिस तरह से आगा सलमान का बॉल स्विंग हो रहा है, उस तरह से अगर न्यूजीलैंड का किसी का भी बॉलर का चल गया, मतलब जैसे इस सोडी चल गया या अजाज पटेल चल गया या बैट्समैन का बॉल चल गया, तो पाकिस्तान बिल्कुल ये मैच से फारिग हो जाएगा और हार जाएगा मैच, क्योंकि पाकिस्तान ये फास्ट बॉलिंग नहीं कर रहा है कि तो ये ड्रॉ करने पर जाएगा, पाकिस्तान बिल्कुल अब ये मैच हारने की कगार पर है अगर ये सेकंड बैटिंग पर अच्छा फास्ट जो अपने पहले ये पारी में अच्छा नहीं किया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।